डियर स्टूडेंट, मैं बिरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंबाइनिंग द सेंटेंसेज सीरीज की चौथी वीडियो। इसके पहले हम लोग तीन वीडियोज और देख चुके हैं, तो अगर आप और सारी कंबाइनिंग वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे से जाके आप कंबाइनिंग सीरीज की सारी वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है सभी तरह के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, या आप साइंस फैकल्टी को हों, कॉमर्स को हों या फिर आर्ट्स को हों, तीनों तरह के फैकल्टी के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल है गाइज। और जो ये सीरीज चल रही है आपके न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, और आप मोर ग्रामर वीडियोज़ का मतलब बहुत सारे आप ग्रामर की और सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं वॉइस या फिर नरेशन की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और सारी वीडियोज़ को लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए और बहुत आसान से मैं आपको बताऊँगा। इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट लोगों का, इस तो आप बहुत अच्छे तरीके से माइंड को ओपन करके कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, आपको 100% समझ में आएंगे। अगर फिर भी ये वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं जिससे आपके पॉइंट क्लियर होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7। इसके पहले हम लोग टाइप 6 तक, यानी जो 6 तरह की और कंबाइनिंग होती है वो हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग 7वां टाइप पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं 7वां टाइप क्या है गाइज। मैं आपको ये जो 7वां नंबर जो टाइप पिक किया हूँ, आपके एक क्वेश्चन बैंक जो एग्ज़ाम में 2011 में जो टाइप पूछा गया था उसी को मैं आपको यहाँ पर पिक किया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सन रोज, उसके बाद लिखा हुआ है द स्टार डिसअपीयर्ड, मतलब जो सन था वो उगा, सूरज उगा और तारे क्या हो गए, गायब हो गए। फिर आप देखिएगा दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, मतलब सूरज उगा तो कुहासा जो था यानी ठंडी में जो कुहा होता है वो गायब हो गया। और यहाँ पे तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है द सोल्जर अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड डिसअपीयर्ड, सॉरी यहाँ पे डिसअपीयर्ड है, कहता है कि जो सैनिक लोग आए तो मॉब क्या हुआ, भीड़ क्या हुआ, भीड़ भी गायब हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो आपने क्या देखा, इस टाइप में आपको एक बात ऑब्जर्व करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको टाइप 7 समझ में आएगा। टाइप 7 में आपने क्या देखा कि दो एक्शन हो रहा है, देखिए एक एक्शन इधर को हो रहा है और एक एक्शन इधर को हो रहा है, और दोनों पास्ट में है और दोनों एक्शन एक के तुरंत बाद, ध्यान से सुनना है, एक के तुरंत बाद दोनों एक्शन घटित होते हैं। यानी आपने क्या देखा, सूर्य उगा स्टार ख़त्म, सूर्य उगा कुहासे ख़त्म हो गए, और सैनिक आई तो भीड़ भी ख़त्म हो गया। आपने क्या देखा कि दो एक्शन दोनों पास्ट में हो रहे हैं और एक के तुरंत बाद दूसरा एक्शन यानी दूसरा काम हो रहा है। तो अगर इस तरह की के क्वेश्चन आपके कंबाइनिंग वाले सेंटेंस में दिया जाता है, आपको पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे तो दो सेंटेंस आपको दिया हुआ रहेगा, तो अगर ऐसे सेंटेंस आपके कंबाइनिंग में दिया हुआ रहता है तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वेन का प्रयोग करना है, और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, और एक और जो सेंटेंस बचेगा उसे भी सिंपल पास्ट में ही करना है, और दोनों सेंटेंस आपके सिंपल पास्ट में ही दिए हुए रहेंगे, तब ऐसा करना है। मैं आपको टाइप 8 तक समझाऊंगा, टाइप 8 भी देखिएगा इससे रिलेटेड है, तो आपको दोनों टाइप देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, वेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस और उसके बाद फिर से सिंपल पास्ट टेंस, और आपको पता होगा सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात ये आ जाती है कि सर वेन के बाद पास्ट टेंस फिर से पास्ट टेंस, तो आपने क्या देखा यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवेन था वो पहला भी सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में था, या फिर सिंपल पास्ट इसे बोल सकते हो, और दूसरा सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही था। तो आपको जब भी क्वेश्चन आपको कंबाइनिंग के लिए दिया गया है एग्जाम में, तो दो बातें वहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली बात कि आपको क्वेश्चन देखते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों सेंटेंस जो है
वो पास्ट इंडिफिनिट में है कि नहीं। और दूसरी बात ये याद रखना है कि जो दोनों सेंटेंस में जो कार्य हुए हैं एक के तुरंत बाद काम हुआ है कि नहीं। अगर ये दोनों रूल्स फॉलो हो जाता है तो आपको ये वाला रूल आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, यानी वेन के बाद आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहली सेंटेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस की दूसरी सेंटेंस लिखना है। अब बात ये आ जाती है कि वेन के बाद कौन वाला पहले लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट वाली सेंटेंस और कौन वाला बाद में। तो जो काम पहले होगा उसको पहले लिखना और जो काम बाद में होगा उसको बाद में लिखना। तो आपको यहाँ पे एक रूल और याद आ रहा होगा, रोगी के मरने वाला और डॉक्टर को पहुँचने वाला, वो रूल अलग है गाइज, मैं उसको टाइप 8 में मैं आपको बताऊँगा, आज मैं क्लियर कर दूँगा, इसलिए आपको अभी उधर ध्यान नहीं देना, बस यहाँ पे समझते रहिए। वेन के बाद जो काम हुआ है ना पहले उसको पहले लिखिएगा और जो काम बाद में हुआ है उसको बाद में लिखिएगा। उस इसमें क्या होता है कि दोनों काम तुरंत रेगुलर हो जाता है, मतलब एक काम हुआ और उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो गया, तब हम वेन के बाद ऐसा कंडीशन लगाते हैं कि वेन के तुरंत बाद हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं और फिर से सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे था द सन रोज द स्टार डिसअपीयर्ड, मतलब सूरज उगा तो तारे गायब हो गए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या सूरज उगा उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट तारा वेट कर लिया कि सूरज उगने देते हैं उसके बाद मैं गायब होता हूँ, ऐसा तो नहीं ना। सूरज उगा और ऑटोमेटिक तुरंत ही जैसे ही सूरज उगा तारे गायब हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। आपने क्या देखा, रेगुलर काम हुआ है, एक के बाद तुरंत काम हुआ है, तो जब तुरंत काम ख़त्म होगा तब भी इस रूल का प्रयोग करेंगे और आपका जो आंसर होगा आंसर इस तरीके से होगा व्हेन द सन रोज द स्टार डिसअपीयर्ड, यानी सूरज उगा तो तारे क्या हो गए, गायब हो गए, आपका आंसर ये होगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का मैंने आपके लिए पिकअप किया है। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, मतलब जब सूरज उगे तो कुहासा जो था यानी ठंडी में जो कुहासा था लगा हुआ, कुहा जिसे आप बोलते हो अपने बिहारी में, तो कहता है कि द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, मतलब जो सन उगा तो कुहासे क्या हो गए, गायब हो गए। तो आपने क्या देखा कि जब सूरज उगा तो क्या कुहासे भी वेट करने लगे, यहाँ पे तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे कुहासे ख़त्म होते हैं लेकिन सिचुएशन वही है कि सूरज उगा उसके बाद कुहासा गायब होने लगे, डैट मीन्स ये भी काम रेगुलर हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम वेन द रोज द फॉग डिसअपीयर्ड करेंगे, यानी वेन के बाद पहला सेंटेंस लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट वाली और दूसरा सेंटेंस भी हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट वाली ही, और आपका सही आंसर होगा वेन द सन रोज, यहाँ पे सन छोटा हुआ है या टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो द के बाद आप यहाँ पे सन लिख लीजिएगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे देखिएगा मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, वेन के बाद जब द यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे सन ये आपका मिसप्रिंट है, तो सन यहाँ पे लिख लीजिएगा वेन द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, मतलब जब सूरज उगा यहाँ से कुहासे गायब हो गए। चलिए देखिए तीसरा नंबर, हमारा जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कहता है द सोल्जर अराइव्ड, मतलब सैनिक पहुँचे द मॉब डिस्प्रेस्ड, और भीड़ क्या हो गया, गायब हो गया, छितरा गया, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, मतलब यहाँ से चला गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये भी काम पुलिस आई और जब भीड़ ने पुलिस को देखा तो भी तुरंत से गायब हो गए, ये काम भी रेगुलर हुआ है और दोनों जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपके क्वेश्चन कंबाइनिंग वाले दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं तो आप तब आपको ये रूल फॉलो करना है, ऊपर में आपका रूल भी लिखा हुआ है वेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस और फिर से सिंपल पास्ट टेंस। तो जो आपका सही आंसर होगा होगा वेन द सोल्जर अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड, मतलब सैनिक आए और भीड़ क्या हुआ, गायब हुआ, भीड़ ख़त्म हुआ, भीड़ धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो आपने क्या देखा, वेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब मैं आपको टाइप 8 की ओर ले जाऊंगा तो आपको और टेंशन होगा यानी आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आप ध्यान से वीडियो को बस देखते रहिए, आपको मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं टाइप 8।
अभी तक आपने क्या देखा कि दो काम पास्ट में हो रहे थे और दोनों काम एक के तुरंत बाद हो रहे थे, तब हम ओ रूल लगा रहे थे, वेन के बाद सिंपल पास्ट और फिर से सिंपल पास्ट। और अब मैं आपको बताऊंगा दोनों काम पास्ट में ही होगा और दोनों काम एक के बाद दूसरा होगा, लेकिन यहाँ पे रेगुलर नहीं होगा, मतलब तुरंत नहीं होगा, थोड़ी सी टाइम इंटरवल ज़्यादा होगी, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद दूसरा काम होगा। तो चलिए पहले कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि टाइप एट है कैसा, उसके बाद हम लोग इसके रूल्स और इसके एग्जांपल को देखेंगे। तो आपका जो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पिकअप किया है कि यह क्वेश्चन जो है बहुत पॉपुलर है और सब लोग को इसे पता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को डाला है ताकि आपको समझने में ईजी हो। देखिए अपने क्लासेज में भी पढ़ रखी है ये क्वेश्चन, कहता है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। आपने क्या देखा, क्या रोगी मरा और डॉक्टर तुरंत पहुंच गया, ऐसा तो है नहीं ना। रोगी मरा होगा 10-15-20-30 मिनट हुआ होगा, उसके बाद डॉक्टर आया होगा। डैट मीन्स यहाँ पे आपने क्या देखा, टाइम इंटरवल ज़्यादा है, यानी टाइप 7 से टाइप 8 में आपने देखा कि टाइम इंटरवल, मतलब दोनों जो सेंटेंस है उसके बीच टाइम का गैप ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इसके लिए दूसरा रूल लगाना है और दूसरा रूल ही लगेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इधर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का दिया हुआ रहेगा और पास्ट इंडेफिनिट का, दो क्वेश्चन होंगे, दो सेंटेंस होंगे, तो एक रहेगा पास्ट परफेक्ट का और एक होगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे बनाना है मैं आपको बताऊँगा, ये बहुत कन्फ्यूजन है, इसीलिए ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। देखिए दूसरा जो सेंटेंस है लिखा हुआ माय मदर हैड कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना बना चुकी थी बिफोर आई वेंट टू अ स्कूल, जब और मैं स्कूल गया, यानी मेरे स्कूल जाने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकी थी, ऐसा कुछ हिंदी हो रहा है। और तीसरा सेंटेंस आपका है बिफोर आई केम हेयर ही हैड गॉन देयर, मतलब मेरे यहाँ पहुँचने के पहले वह जा चुका था, ऐसा कुछ इसका हो रहा है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ रहे एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ रहे सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको अगर पास्ट इंडेफिनिट का रूल नहीं पता है, उनका स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो एक बार देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये होती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं रूल की तरफ, रूल को ध्यान से देखिएगा। कोई भी दो एक्शन, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, अगर कोई भी दो एक्शन पास्ट में होते हैं और दोनों एक्शन में दो वर्क होते हैं, तो एक वर्क के बाद यानी एक काम के बाद अगर दूसरा कार्य होता है और उसके बीच टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। अब बात ये आ जाती है कि आप अपने एग्जाम में इसे पहचानोगे कैसे, तो ध्यान से सुनो। आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक तरफ दिया हुआ रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, और एक दिया हुआ रहेगा पास्ट इंडेफिनिट की, ध्यान से सुनना। तो अगर आपके एग्जाम में एक दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट और एक दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, तो आपके माइंड पे ये क्लिक होना चाहिए कि ओ ये वाला रूल टाइप 8 वाला रूल लगेगा। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, आपके एग्जाम में इधर को दिया हुआ रहेगा पास्ट परफेक्ट और एक दिया हुआ रहेगा पास्ट इंडेफिनिट, तब आपको रूल क्या लगाना है मैं आपको बताता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करिएगा। देखिए यहाँ पर रूल लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद बिफोर और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। मैं आपको इससे पता है, इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रांसलेशन में भी पूछे जाते हैं, फिलर में भी पूछे जाते हैं, और यहाँ पे कंबाइनिंग में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, ट्रांसलेशन में मैं आपको बताऊँगा कि जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं, तो मैं उतना यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऑप्शन में ये ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए और बिफोर के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। हर हालत में ध्यान दो, यहाँ पे बिफोर के बाद आप ऑप्शन में यही चेक करोगे कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट है या नहीं।
अगर है तो आंसर वहीं पे सही होगा, अगर नहीं है तो आंसर गलत होगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर और प्लस सिंपल पास्ट टेंस। और आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे देखो, नीचे में लिखा हुआ है बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने क्या देखा कि बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आ रहा है इस स्ट्रक्चर में भी और इस स्ट्रक्चर में भी, और उसके बाद जो एक बच रहा है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको यहाँ पे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आएगा। यहाँ पे भी देखो, तो अगर बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस और बाकी जो बचेगा, या देखो इधर बचा तो पास्ट परफेक्ट और इधर ये आगे में लिखे हमने तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से आपको कंबाइनिंग करना है। कंबाइनिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि पहले हम पास्ट परफेक्ट का यूज करें और उसके बाद बिफोर के बाद सिंपल पास्ट ही लिखें। और अगर ऐसे लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में, क्योंकि अब ऑप्शन मेथड है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो आपको ये याद रखना कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस है या नहीं और उसके बाद पास्ट परफेक्ट है कि नहीं। मैं आपको ऑप्शन वाला भी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ रूल्स है उसको ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का क्वेश्चन हो और एक पास्ट परफेक्ट का हो, तो आपको ये चार तरीके से ही सही हो सकता है। यानी आपके ऑप्शन में ये चार सेंटेंस खोजना है, ध्यान देना है यहाँ पे और नोट डाउन कर लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद बिफोर रहेगा और फिर से सिंपल पास्ट टेंस रहेगा, या फिर आपको बिफोर के साथ सिंपल पास्ट टेंस शुरू में ही लिख देगा और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, ऐसा कर सकता है एग्जामिनर, तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। और दूसरा तरीका से ऐसे भी रह सकता है, पहले सिंपल पास्ट टेंस लिख देगा, उसके बाद आफ्टर कंजक्शन का प्रयोग कर देगा और फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस दे देगा। या फिर इसी सेंटेंस को वो दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस देगा और लास्ट में सिंपल पास्ट टेंस देगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ध्यान से सुनना गाइज, यहाँ पे चार चार रूल हो गए हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन को ध्यान रखना है, इसे लिख लो, समझ में आया। इस तरीके से आपको चेक करना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है उस ऑप्शन में तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट है कि नहीं। और अगर बिफोर सबसे पहले लिख दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, बिफोर पहले लिख दिया गया है तो उसके साथ सिंपल पास्ट है कि नहीं और बगल में पास्ट परफेक्ट है कि नहीं, ये सब चेक करना, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस पहले लिख दिया गया है और बीच में आफ्टर है, तो आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, चाहे वो आफ्टर शुरू में हो चाहे आफ्टर बीच में हो, क्लियर। तो आफ्टर के बाद यहाँ पे पास्ट परफेक्ट शुरू में भी दे सकता है और सिंपल पास्ट बाद में भी दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, आई केम हेयर सी हैड गॉन देयर, ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होता है दो सेंटेंस, आई केम हेयर मैं यहाँ आया, सी हैड गॉन देयर वह वहाँ जा चुकी थी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है, तब आपको क्या करना है, ये चार तरीके से आंसर होगा। यानी ये चारों जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया हूँ ना, डिजाइनिंग मैंने नहीं किया हूँ, ये चारों का चारों आपका सही आंसर है। यानी चार तरीके से इसे आप लिख सकते हो। अब बात ये आ जाती है कि एग्जामिनर आपके ऑप्शन में कौन वाला सेंटेंस देगा, तो आपको चूज करना है, चार ऑप्शन भी देंगे, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा हमारा सही हो रहा है। तो ध्यान से देखते रहना और समझते रहना, मैं एक ही क्वेश्चन से मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिफोर के बाद हमेशा चेक करना कि पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है कि नहीं। तो देखिए, बिफोर आई केम हेयर पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, और जब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस रहेगा तो बगल में पास्ट परफेक्ट रहेगा ही रहेगा, सी हैड गॉन देयर। तो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है, ऐसा आपको अपने एग्जाम में ऑप्शन में चेक करना है, या फिर बी जैसा भी दे सकता है, बी को ज़रा ध्यान से देखो,
पहले लिख दिया पास्ट परफेक्ट, सी हैड गॉन देयर, लेकिन बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट ही ना लिखा, तो बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट चेक करना और बगल में पास्ट परफेक्ट चेक करना, चाहे वो आगे रहे चाहे पीछे रहे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में आपने क्या देखा, आफ्टर के बाद, यहाँ पे देखो आफ्टर के बाद इसने लिख दिया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस लिखा गया है तो बगल में पास्ट इंडेफिनिट वाली सेंटेंस होना चाहिए, जो आप ऑप्शन सी में देख रहे हो, लिखा हुआ है आफ्टर सी हैड गॉन देयर आई केम हेयर। ठीक है, तो अगर ऐसे भी रहेगा तो भी सही होगा, और इसी सेंटेंस को बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं ऑप्शन डी की तरफ, पहले लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर को वाला सेंटेंस को बाद में कर दिया, तो आफ्टर के बाद हमेशा और हमेशा पास्ट परफेक्ट ही रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले दे या बाद में दे, तो आपको क्या करेगा एग्जामिनर, ध्यान से सुनो, ऐसे कंबाइनिंग वाला सेंटेंस में ये चार ऑप्शन में से किसी भी तरह के आंसर दे सकता है, तो संभल के और माइंड को खोल के बनाना। मैं आपको क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा कंबाइनिंग की, कम से कम 20 क्वेश्चन तो ज़रूर लाऊँगा ऑप्शन मेथड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो कंबाइनिंग को अच्छे से पढ़ लो, इसलिए मैं आपको पूरी डीप में समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इसके चार आंसर क्यों होंगे, इस तरीके से मैं क्यों लिख सकता हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई केम हेयर सी हैड गॉन देयर, मतलब मैं यहाँ आया और वह वहाँ जा चुकी थी। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को तो ऐसे भी बोल सकते हो ना कि मेरे यहाँ पहुँचने के पहले वह वहाँ जा चुकी थी, बोल सकते हो ना, पहले से भी बोल सकते हो। तो वही सेंटेंस को ऑप्शन नंबर ए और बी में मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, बिफोर आई केम हेयर सी हैड गॉन देयर, और पहले सी हैड गॉन देयर लिख दिया, उसके बाद बिफोर आई केम हेयर। अब देखो इसे सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी तो बोल सकते हो ऐसे कि उसे वहाँ जाने के बाद मैं यहाँ आया, यानी बाद भी लगा के तो आप बोल सकते हो ना कि उसे वहाँ जाने के बाद मैं यहाँ आया, बोल सकते हो ना। तो अगर बाद वाला स्ट्रक्चर रहेगा तो आपका एग्जामिनर आफ्टर लगा के देगा, पहले इतना झोला नहीं था, अब ऑप्शन मेथड करके आपको झोला कर दिया। पहले तो कंबाइनिंग करना था, तो आप कंबाइनिंग कैसे भी कर दो, ये चारों ऑप्शन में किसी तरीके से कर देते थे तो सही हो जाता था। अब बात यह है कि इसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आफ्टर के साथ भी बना सकते हो इस सेंटेंस को, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उसे वहाँ जाने के बाद मैं यहाँ आया। तो जब आफ्टर से सजाओगे इस सेंटेंस को तो होगा आफ्टर सी हैड गॉन देयर आई केम हेयर, क्लियर। और इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस और उसके बाद आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस, डैट मीन्स आई केम हेयर आफ्टर सी हैड गॉन देयर। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, माई मदर हैड कुक्ड फूड आई वेंट टू अ स्कूल, मतलब मेरी माँ खाना बना चुकी थी मैं स्कूल गया। अगर देखिएगा यहाँ पे समझना फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके कंबाइनिंग वाले क्वेश्चन में एक तरफ पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस, और दूसरी तरह सिंपल पास्ट वाला दिया हुआ है, तो ये रूल फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, तो जब रूल फॉलो करोगे तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है कि मेरी माँ को खाना बनाने के मेरे स्कूल जाने के पहले मेरी माँ खाना बना चुकी थी, ऐसा कुछ। तो आप क्या बनाओगे, पहले वाला से बनाओगे तो बिफोर वाला स्ट्रक्चर आएगा, तो बिफोर के बाद हमेशा कौन टेंस होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, और एक बचेगा पास्ट परफेक्ट, वो पहले लिख देंगे। यानी आप ऐसे बनाओगे, देखो माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई वेंट टू अ स्कूल, मतलब मेरे स्कूल जाने के पहले मेरी माँ खाना बना चुकी थी। और इसी सेंटेंस को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, आई वेंट टू अ स्कूल माई, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया, बिफोर आई वेंट टू अ स्कूल माई मदर हैड कुक्ड फूड, मतलब मेरे स्कूल जाने के पहले मेरी माँ खाना बना चुकी थी। तो ये बिफोर वाला सेंटेंस को आप आगे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो। अब बात यह है कि एग्जामिनर जो एग्जाम लेने वाला है वो ऑप्शन में आगे लिख के दिया है कि पीछे लिख के दिया है, तो कन्फ्यूजन होगा ना। और हाँ, ये सेंटेंस को आप आफ्टर से भी बना सकते हो,
जैसे हमने अभी पीछे वाले सेंटेंस को आफ्टर से बना के आपको दिखाया, तो आप एग्ज़ाम में माइंड खोल के देखना और अच्छे तरीके से समझ के ऑप्शन लगाना कि आफ्टर से पूछा गया है, बिफोर से पूछा गया है, और बिफोर के बाद कौन टेंस आता है और आफ्टर के बाद कौन टेंस आता है। मैं आपको आपको ना ऑप्शन वाली भी मैं वीडियो लाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपका कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए पर्सन हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन चल रहा है, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल के बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलता रहे और आपकी तैयारी होता रहे। थैंक्स फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।